नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल। मैं आपके साथ प्रियंका। सूरतगढ़ से हमारे संवाददाता गोविंद भार्गव ने बताया कि सूरतगढ़ में विभिन्न राजनीतिक सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए चुनिंदा नेताओं कार्यकर्ताओं ने कोरोना लॉकडाउन के चक्कर में बंद की गई रेलों को शुरू करने की मांग को लेकर पूर्व घोषणा के तहत आज रेलवे परिसर में कांग्रेस नेता बलराम वर्मा, जिला उपाध्यक्ष के नेतृत्व में नेताओं ने धरना दिया तथा उसके तुरंत बाद रेलवे अधीक्षक को सूचना देकर धरना स्थल पर बुलाया गया। कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष बलराम वर्मा से वार्ता कर आश्वासन के बाद तुरंत धरना समाप्त कर दिया गया। रेलवे अधीक्षक ने पूर्व में दिए गए पत्र के बारे में नेताओं को अवगत कराया कि आपके द्वारा दिया गया पत्र उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है और आपकी मांगों के बारे में बता दिया गया है। इस मौके पर बलराम वर्मा के नेतृत्व में पूर्व प्रधान साहब राम पुनिया, अमित कड़वासरा, पार्षद प्रियंका कल्याण, कृष्ण गोदारा आदि कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। जो किस विषय को लेकर लगाए है धरना? इस बात के लिए लगाया है कि बीकानेर लेकर के और सूरतगढ़ और आपके लूप लाइन गंगाराम मार्केट के लिए एक भी ट्रेन नहीं है, एक एक डिवीजन में दो दो ट्रेन चली है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा राजनीतिक नेतृत्व इतना कमजोर है कि एक ट्रेन भी नहीं चला पाए। हरिद्वार के जो है हमारी एक धार्मिक गाड़ी है, उस गाड़ी में आज भी शमशान घाट में माँ बाप के बुजुर्गों के भूत पड़े हैं, वो ले जा रहे हैं सक्सर, ये प्राइवेट बड़ा पैसा खर्च होता है। सूरतगढ़ एक बहुत बड़ा जंक्शन है और आर्थिक लिहाज से भी इकोनॉमिक सबसे ज़्यादा इनके यहाँ रेलवे की आमदनी सूरतगढ़ से होती है। इसके बावजूद सूरतगढ़ से कोई ट्रेन नहीं। आज बीकानेर हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, राजस्थान का बड़ा हॉस्पिटल है, जहाँ मरीज इतने हैं बीकानेर जाने के लिए कोई पेशेंट है वो बीकानेर जाना भी सक्सर नहीं है, गरीब आदमी वाले जाना भी सक्सर नहीं है, एक ही ट्रेन नहीं है बीकानेर के लिए। और करालू में कोई नहीं, अनूपगढ़ से भारत कोई आवागमन साधन ही सारे बंद है, कोई सिस्टम ही नहीं है कोई। पिछले टाइम से इतना विज्ञापन देने के बावजूद पहले आपने ज्ञापन दिया, उसके बाद दिया आज लॉकडाउन की वजह से हम ज़्यादा भीड़ को नहीं इकट्ठी कर पाए। फिर भी हमने कोशिश की मुख्य मुख्य इलाके के लोगों को बुला करके और अभी ऐसे साहब से वार्ता की है, उन्होंने कहा भी हमने ये जो प्रस्ताव आपको बोर्ड में भेज देंगे और शायद इन्होंने भेज भी रखा है। कल जो हमें रिपोर्ट मिली थी इन्होंने जम्मू तो भी डिब्रूगढ़ जो भी है इसके बारे में प्रस्ताव इन्होंने भेज रखे हैं, कोई गाड़ी तो मिले अगर एक्सप्रेस चलेगी तो भी दिल्ली तक हमें आपके कलकत्ता तक हमें साधन मिलेगा। अगर जयपुर टू सूरतगढ़ भी गाड़ी शुरू करते हैं तो जयपुर की कनेक्टिविटी सारी मिल जाएगी, बीकानेर की कनेक्टिविटी हो जाएगी हमारी। एक ही ट्रेन ही आज सूरतगढ़ से आज एक ट्रेन है, इसे मजबूर होकर के लॉकडाउन होने के बावजूद भी डिस्टेंस की पालना करते हुए हमें रेलवे अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया है? रेलवे अधिकारियों ने आज ये दिए है कि अभी शीघ्र जो है अभी जो 95 गाड़ी और चलने जा रही है 45 गाड़ियाँ तो टोटल आवागमन 90 गाड़ियाँ हो 45 जाएगी 45 में उनमें सूरतगढ़ को आप संभावित ट्रेन आपको